बरसा चौहान ने बाइक भी नहीं बरसा और मारे अनुमान ने यू कह दिया 10 तारीख ने नी लावांगे सरकार भी लावांगे और सुबेरे सुबेरे भाई जमा जम मी बरस गया। तो सबसे पहले तो भाई नमन है उन लोगों को जिन लोगों के लिए आज ये मंच सजा है, भाई नमन है आप सबको जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे हनुमान भाई का इंतजार किया करते। अरे ऊपर से लव चाला करती 50 डिग्री टेम्परेचर होया करता लेकिन आप भाई कदे जगह से नहीं हिले, आप सबको नमन है भाई। और दूसरा सलाम जो 50 डिग्री इस मारे खातिर इस किसान खातिर इस कमेरे खातिर दिव्या में घूमया करता। अरे वो आदमी जिसके पास अगर 2 बजे रात के फोन आ गया तो वो 2 बजे रात के अपने घर नहीं टिका, वो 2 बजे रात के सड़क के ऊपर हमारे साथ बैठा करता। उस हनुमान को सलाम जिस हनुमान ने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान नहीं इस पूरे के पूरे देश के किसान को एक उम्मीद की नई किरण दे दी है। अरे अगर आज के दिन किसी भी किसान के ऊपर जुलम हुआ है ना तो उसने बस एक नाम याद आवे है, अगर किसी कमेरे के ऊपर सत्ता जुलम करे है तो उसने सिर्फ एक नाम याद आवे है, सिर्फ हनुमान सिर्फ हनुमान सिर्फ हनुमान। अरे तुम्हारे पीछे सरकार पड़ रही है, सरकार तोड़ना चाहे है तुमने। आज का दिन किसान का गेल सबका बुरा हाल किसने बना रखा है, सरकार ने बना रखा है। एक गुजरात का व्यापारी बटन बना हुआ भाई साहब शर्ट के बटन, तो वो अपने बटन हिमाचल प्रदेश में भी बेचे हैं, वो अपने बटन केरल में भी बेचे हैं। और हमारा किसान अगर यही हमारा सीकर का किसान अपने प्याज बेचने खातर हरियाणा जान लग जाए तो भाई साहब हरियाणा में सरकार के एक रहे है जेल में गेटते हैं। और यू कहे है कि सिक्कर का किसान अगर प्याज बेचेगा तो सिर्फ सिक्कर के अंदर बेचेगा, अगर हरियाणा का किसान अपना गन्ना बेचने खातर यूपी जान लगते हैं तो यूपी की पुलिस उसने जेल में गेटते हैं, अगर यूपी का किसान अपना गेहूं बेचने खातर मध्य प्रदेश जान लगते हैं तो मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो उसने जिसकी जो पुलिस है वो उसने जेल में गेटते हैं। अरे मोदी साहब एक बात बताओ, ये किसान हिंदुस्तान के ही किसान है या पाकिस्तान या चीन से आके बैठ गए? भाई वो हमारा दर्द नहीं समझेंगे, और वो हमारा दर्द क्यों नहीं समझेंगे क्योंकि वो सारे तो व्यापारियों के औलाद हैं। हमारा दर्द कौन समझेगा, हमारा दर्द समझेगा रेत का बेटा खेत का बेटा हनुमान बेनीवाल, क्योंकि उसने रेत के दर्द का पता है उसने खेत के दर्द का पता है। अरे एक गाना आया था हमारा पंजाबी में कि रामदेव दी ता बिकी जान दाते ना और चट्टा तेरी सोनी का तिहाड़ी बिके ना। अरे हमारे प्याज नहीं बिकते, हमारी लहसुन नहीं बिकते, हमारी सरसम नहीं बिकती और ये व्यापारी दांतन काट काट कर 50-50 रुपया डर दातन बेचने लग रही है। साहब कहते हैं कि मैंने देश के अंदर तरक्की ला दी, मैंने देश के अंदर खुशहाली ला दी, मध्य प्रदेश का किलो 60 पैसे किलो लस लिए गए। अरे जब मारा सिख करवाड़ के ने मंडी में ले जे है, अरे जब मारा सिख कर का किसान अपना प्याज 2 रुपये किलो और वो है प्याज जब हरियाणा में चला जावे है तो उस प्याज का रेट कितना हो जावे भाई साहब 60 रुपये किलो। अरे बोन वाले ने 2 रुपये और बेचने वाले ने 60 रुपये इससे बड़ा ने 2 रुपये और बेचने वाले ने 60 रुपये इससे बड़ा जुलम नहीं हो सकता भाई कहीं पर भी। अरे कोई है कह रही हो मर गया रे किसान, रे इसके दौरे बैंक का कर्जा पाड़ने के रुपये नहीं, इसके दौरे स्कूल की फीस देने के रुपये नहीं, इसके दौरे अस्पताल के खर्चे के रुपये नहीं, बेचारा जोड़ तोड़ करके ने
फांसी जोगे रुपये का डहर फांसी तोड़ते हैं और तमके करण लग रहे हो सरकारों। पिछली कांग्रेस खुली छूट थी और यह सरकार हमारी अंदर एक महीना पहले 64 लाख टन चीनी पाकी। अरे यूं तो नुकमा है हम पाक चाहता रहे गेटवे के नीचे उतर जाएगी। आज टिकैत साहब हमारे सामने बैठे